अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स। आज की वीडियो है बर्निंग मोड के बारे में। इसको बर्निंग मोड भी कहते हैं और एजिंग मोड भी कहते हैं। ये किसी भी चाइना की यूनिवर्सल एलईडी में लग सकता है। जब आप फैक्ट्री सेटिंग को छेड़ते हैं या गलती से कोई की प्रेस हो जाती है तो सिर्फ इसकी स्क्रीन पे कलर्स आते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, वाइट। तो रिमोट की कोई की भी काम नहीं करती, ना पावर ऑफ, और ये परेशानी का बायस बनती है। तो इससे निकलने का मैं आज आपको आसान तरीका बताता हूँ। चाहे कोई भी एलईडी हो, चाइना की हो, यूनिवर्सल हो, उसमें आपने करना ये है कि उसकी स्टैंड बाई की है जो एलसीडी के पीछे जो बटनों वाली है, रिमोट वाली नहीं, जो बटनों वाली है, उसको आपने 5 से 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो जैसे ही आप उसको बाद में छोड़ेंगे तो आपकी एलईडी का बर्निंग मोड ख़त्म हो जाएगा। ये तरीका हर चाइना की यूनिवर्सल एलईडी पे वर्क करता है तकरीबन ऑलमोस्ट। और ये जो आज मेरे पास एलईडी है ये 40 इंच की है सैमसंग। इसको मैंने देखे आपके सामने, बड़ी आसानी से इसका बर्निंग मोड ख़त्म किए। ये देखें दोस्तों, इस पे सारे बटन अब काम कर रहे हैं, रिमोट वर्क कर रहे हैं, सारा मेन्यू भी खुल रहा है।